जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर रेलवे के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए और रेलवे एनटीपीसी के लिए एक ऐसी बुक जिस बुक में से यहाँ पर एग्जाम में आपको 90% क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे मैथ से। इसी बुक से रिपीट होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आप रेलवे ग्रुप डी देने वाले हैं और रेलवे का एनटीपीसी का लेवल 2, 3 और 5 का CBT 2 देने वाले हैं तो ये बुक आपके लिए रामबाण हो जाती है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो ये बुक एक नंबर की, यहाँ पर मैं कहूँगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक है, सबसे टॉप की बुक है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़कर जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ देखिए, आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं चैप्टर वाइज यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन, इसी तरह से सभी टॉपिक के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस एग्जाम में यहाँ पर कितने क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। यहाँ देखिए, RRB की जितनी भी एग्जाम हुई है, रेलवे की जितनी भी एग्जाम हुई है, उन सभी के क्वेश्चन इस बुक में आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, RRB NTPC 2019 का यहाँ पर हुआ था, इसका एग्जाम आपका हुआ था 2020-21 में। और इसमें कुल जो क्वेश्चन, यानी कि कुल प्रश्न पत्र जो थे, कुल यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के जो सेट थे 133 थे। तो यहाँ पर देखिए, एक सेट के अंदर 30 क्वेश्चन यहाँ मैथ्स के होते हैं, तो 3990 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके हो गए NTPC के, यानी कि NTPC के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से RPF कॉन्स्टेबल 2018 का जो था, जिसका पेपर 2019 में हुआ था, इसमें कुल जो पेपर सेट थे वो 17 थे। तो इस तरह से 595 यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर RPF कॉन्स्टेबल के भी हो जाते हैं। अगर आप RPF SI का देंगे, क्योंकि SI की भी वैकेंसी यहां पर जल्दी ही आएगी, तो देखिए 2019 की जो वैकेंसी थी, यानी कि 2018 की वैकेंसी थी, 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, इसमें 23 सेट के अंदर ये यहां पर क्वेश्चन पेपर के सेट थे और क्वेश्चन यहां हो जाते हैं 805 क्वेश्चन यहां से हो गए। इसी तरह से आपका RRB ALP से यहां पर क्वेश्चन, RRB JEE से यहां क्वेश्चन, RRB पैरामेडिकल जो हुआ था 2019 में उसके यहां क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। RRB ALP और टेक्नीशियन 2018 की जो वैकेंसी थी उसके क्वेश्चन यहां देखने को आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से यहां पर देखिए, RRB का जो ग्रुप डी हुआ है, ग्रुप डी के अंदर जितने भी क्वेश्चन यहां पूछे गए थे 2018 के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। RRB NTPC जो 2015 में यानी कि निकला था और 2017 में इसका एग्जाम हुआ था, उसके भी सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह से RRB NTPC 2015 का, जिसका एग्जाम यहाँ पर 2016 के अंदर हुआ था, उसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए, ये RRB NTPC का CBT 2 था और ये RRB NTPC का CBT 1 था, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इसका पाई चार्ट दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, और ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए, ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 7/1/2021, यानी कि यहाँ पर 7/1/7 जनवरी 2021 को जो शिफ्ट 1 हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इजीली इस बुक को ले सकते हैं। तो ये देखिए, पूरी बुक आपके सामने हमने रख दी है, तो जल्दी से देर मत कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी देने वाले हैं या फिर RRB NTPC का लेवल 2, 3, 5 देने वाले हैं, तो जल्दी से इस बुक को ले लीजिए। तो